ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साईं दया चैनल पे। मैं साईं अनु आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आपसे बहुत अच्छी बात करनी है, जो कि आप लोगों के लिए शायद शायद मीन डेफिनेटली बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में उससे इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी लाइफ अगर पीछे कोई भी हम लोग ऐसी किसी की लाइफ नहीं है जिसने दुख नहीं झेले हो, जिसने तकलीफें नहीं झेली हो, तो वो उसको पार करके ही हर इंसान निकलता है ना। बिना तकलीफों को फेस किए कोई इंसान आज तक सक्सेस नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं। तो हम जितने भी साईं डिवोटीज हैं सभी साईं सच्चरित्र का पाठ तो जरूर करते हैं। ऐसा शायद ही कोई डिवोटी होगा जो साईं सच्चरित्र नहीं पढ़ता होगा, है ना। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी एक मिरेकल हुआ, जो मैं बताती रहती हूँ कि 11 वचन को ग्लास में जल लेकर के, या फिर ऐसे जो लोग जल से नहीं पीते हैं वो लोग ऐसे उदी को, सूखी उदी लेकर के पहले उदी ले लो और उसके बाद फिर जल पी लो। ये मेरे साथ भी हुआ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी जो बाबा ने सॉल्व कर दिया उस चीज़ को लेने से। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो अभी हम शिरडी जा रहे हैं उसमें होने वाला है एक छोटी सी प्रतियोगिता, और वो उसमें क्या होगा, बाबा आप लोगों के घर तक जाएंगे जो उस प्रतियोगिता को जीत लेगा। ठीक है, अगर आपके जवाब सही हुए तो बाबा का स्वरूप आपके घर तक पहुंचेगा। 3 स्वरूप जाएंगे 3 डिवोटीज के घर। ठीक है, जिसका जवाब पहला कमेंट और बिल्कुल करेक्ट कमेंट होगा उसके घर जाएंगे साईनाथ, और जिस भी रूप में जाए वो बाबा की इच्छा है। हमारा मकसद है कि एक तो आपके घर में बाबा आ जाएंगे, अलग बात है। दूसरी चीज कि आप साईं सच्चरित्र के और ज्यादा करीब होते जाएंगे, और साईं सच्चरित्र को करीब से पाना मतलब बाबा को करीब से पाना। हमारे कितने सारे जो बाबा से दूर थे वो एक ही साथ हो जाएगा। ठीक है, तो बाबा के करीब जाने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है दिल से, मन से, श्रद्धा और लगन से साईं सच्चरित्र का पाठ करना है। ठीक है, और साईं सच्चरित्र का पाठ जो साईं संभाल लेंगे परिवार में, हर एक डेवोटीज के लिए किया जाता है। जितने भी डेवोटीज हैं सबके लिए एक एक दिन रखा जाता है, उनके लिए पाठ किया जाता है, और वो बाबा सुनते भी हैं। ऐसा कभी कोई पाठ नहीं गया है जिसमें बाबा ने नहीं सुनी। ठीक है, तो आप लोग भी पाठ करते रहिए, साईं सच्चरित्र पढ़ते रहिए, साईं का निवारण पढ़ते रहिए, जो भी जैसा आप पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिए। 11 वचन पढ़ने के बाद उदी लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और 26 अगस्त को लाइव स्ट्रीम होगा, ये जो कॉन्टेस्ट होगा, प्रतियोगिता जिसको बोले हम, ये लाइव स्ट्रीम चलेगा 26 अगस्त दिन गुरुवार को। अभी हम शिरडी में होंगे, और उस दिन आपको देने हैं 3 जवाब 3 डिवोटीज को, एक को एक ही देना। ठीक है, जिसके पास एक बार बाबा गए उसके पास दोबारा नहीं। ठीक है, एक डिवोटी एक ही जवाब। पिछले विजेता के, जो पिछले प्रतियोगिता के विजेता 5 लोग रह चुके हैं, उनके पास बाबा सकुशल पहुंच चुके हैं, और आप लोग भी, आप में से कोई भी हो सकता है, तो तैयारी में लगे रहिए। साईं सच्चरित्र में से कुछ सवाल आपके साथ किए जाएंगे, उन सवालों के अगर आप जवाब देते हैं तो बाबा आपके घर आएंगे। एक बार नहीं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, तैयारी करते रहिए, पता नहीं कब साईनाथ दयाल हो जाए। और जब बाबा आएंगे तो उनका स्वागत भव्य रूप से कीजिएगा। पता नहीं किस रूप में साईनाथ आ रहे हों और आपके घर में खुशहाली आने वाली हो। ठीक है, ओम साई राम, जय साई राम। बने रहिए चैनल पे, बाबा और भी अच्छे अच्छे काम करवाएं हमसे, हमारी यही इच्छा रहती है। और आपके आशीर्वाद से आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए, हमारा परिवार बनिए, बहुत बड़ा परिवार बनाएंगे, घर घर तक साई पहुँचाएंगे। ओम साई राम, जय।